दोस्तों, वैसे तो हर जानवर अपने आप में कुछ अनोखा होता है। आपने इंसान को इंसान की मदद करते हुए तो बहुत बार देखा होगा, लेकिन कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं जो अपनी जान पर खेलकर दूसरे जानवरों की जान बचाते हैं। आज का ये वीडियो हमारा टॉप क्यूट एनिमल इन द वर्ल्ड से रिलेटेड होने वाला है, इसलिए अगर आपको भी जानवर से प्यार है तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। और अगर आपको जानवरों से प्यार नहीं है तो भी आप इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपको जानवरों से प्यार हो सके। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और जानते हैं 8 क्यूट एनिमलों के बारे में, जिसको देखकर आपका भी मन करेगा कि आप उनको पालें। दोस्तों, हम आपको ऐसे ऐसे जानवरों से मिलवाने वाले हैं जिससे आप पहले तो मिल ही चुके होंगे, वहीं हमारी लिस्ट में कुछ ऐसे भी जानवर हैं जिसको आपने इससे पहले नहीं देखा होगा और उनके बारे में कुछ नहीं सुना होगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। नंबर 8, व्हाइट स्क्विरल। दोस्तों, वैसे तो आप में से ऐसा कोई नहीं होगा जो गिलहरी के बारे में नहीं जानता होगा। आपने गिलहरी को कहीं ना कहीं इससे पहले तो जरूर देखा होगा, क्योंकि गिलहरी हर जगह पर पाई जाती है। आप में से हर लोगों ने नॉर्मल गिलहरी को तो देखा होगा, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी गिलहरी से मिलवाने जा रहे हैं जो पूरे तरीके से सफेद है। बहुत लोगों को ये नहीं पता होगा कि सफेद गिलहरियां भी होती है, लेकिन हम आपको बता दें कि दुनिया में कई जगह सफेद गिलहरियां पाई जाती हैं। आपको सफेद गिलहरी इसलिए नहीं दिखाई देती क्योंकि सफेद गिलहरी की प्रजाति बहुत रेयर होती है। 10 लाख में से कोई एक गिलहरी सफेद होती है। ये गिलहरी दिखने में इतनी ज्यादा अच्छी लगती है कि जिसे देखने के बाद आप बिना छुए रह नहीं सकते। ये गिलहरी भी सभी गिलहरियों की तरह पेड़ पर ही रहती है और वहीं अपना घोंसला बनाती है। लोग इस गिलहरी को खरीदने के लिए लाखों रुपए तक देने को तैयार हैं। इस गिलहरी के एक जोड़े की कीमत 8 लाख से 12 लाख रुपए तक होती है। वेस्टर्न कंट्रीज में इस गिलहरी को लोग घर में पालना पसंद करते हैं। नंबर 7, बेबी हेजहॉग। दोस्तों, यह छोटा सा प्यारा दिखने वाला जानवर अफ्रीका में पाया जाता है। लोग इसे पालना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि बचपन में यह बहुत ही ज्यादा सीधे और प्यारे होते हैं। इनके बारे में यह भी मिलता है कि इनकी देखरेख अगर अच्छे से की जाती है तो यह बहुत ही ज्यादा हेल्दी और खुश रहते हैं। वैसे तो ये क्यूट सा दिखने वाला जानवर घर में रखने के लिए ठीक है, अगर इस पर कोई बच्चे की नजर पड़ जाती है तो ये बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। असल में दोस्तों, इनकी पीठ पर छोटे छोटे कांटे होते हैं। इन्हें पास लाने पर वैसे तो ये चुभते नहीं है, लेकिन जब हेजहॉग को आपसे खतरा महसूस होगा तो ये आपको इन कांटों से नुकसान भी पहुंचा सकता है। अगर आप भी एक एनिमल लवर हैं तो इस एनिमल को देखने के बाद आपका मन भी इसके साथ खेलने को करेगा, क्योंकि दोस्तों ये इतना ज्यादा क्यूट होता है कि आप अपने आप को रोक ही नहीं पाओगे। नंबर 6, बेबी गोट। दोस्तों, बेबी गोट बचपन में बहुत ज्यादा प्यारे और तेज होते हैं। वैसे तो इनका जन्म सिंगल या ट्विंस के रूप में होता है, लेकिन कभी कभी दोनों का रंग अलग अलग भी हो सकता है। इन बेबी गोट की एक खास बात ये भी होती है कि ये जन्म के एक मिनट बाद ही अपने पैरों पर खड़ा होना सीख लेते हैं। जब ये पैदा होते हैं तो पैदा होने के साथ ही इनके नाखूनों को भी काट दिया जाता है, क्योंकि इनके नाखून अगर रहते हैं तो ये इनसे भी दोगुनी स्पीड से बढ़ते हैं। इन्हीं बड़े नाखूनों की वजह से इनको चलने में काफी दिक्कत आती है। इन बेबी गोट को खेलना कूदना बहुत पसंद होता है। इससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके पास खेलने के लिए उनके भाई बहन हैं या फिर कोई इंसान। ये जिसको देखते हैं उसके साथ खेलना शुरू कर देते हैं। ये बहुत ही ज्यादा क्यूट होते हैं, इसलिए बहुत से लोग इन्हें अपने घरों में पालना पसंद करते हैं। नंबर 5, हैमस्टर। दोस्तों, हैमस्टर दिखने में वैसे तो चूहे सा दिखने वाला एक जानवर है। लोग इसे अपने घरों में पालना बहुत ही पसंद करते हैं। ये दिखने में जितने ज्यादा प्यारे होते हैं उतना ही ज्यादा इनका दिमाग तेज होता है। इनकी आंखों को देखने के बाद कोई भी इंसान इनको छुए बिना रह नहीं सकता। इनके जन्म के बारे में मिलता है कि जब इनका जन्म होता है तो ये इतने ज्यादा छोटे होते हैं कि आप इन्हें एक उंगली में भी रख सकते हैं। बहुत से लोग इन्हें पालना पसंद करते हैं और इनको पालने में भी ज्यादा खर्चा नहीं होता। वैसे तो आप अगर इनके खाने की बात करें तो इनको खाने में ज्यादातर फल फ्रूट ही पसंद होते हैं। नंबर 4, एरमाइन। दोस्तों, बहुत से कम लोगों को इस जानवरों के बारे में पता होगा, क्योंकि इसके पीछे की वजह ये है कि ये बहुत ही ज्यादा रेयर होता है और ये ज्यादातर नॉर्थ अमेरिका के जंगलों में पाया जाता है। वैसे तो इनका कलर व्हाइट और ब्राउन होता है, लेकिन ठंड के मौसम आने से पहले इनका ये कलर सिर्फ और सिर्फ व्हाइट कलर में ही रह जाता है, जिसकी मदद से ये बर्फ में छुप सकते हैं। ये जानवर जितना प्यारा नजर आता है उतना ही ज्यादा खतरनाक भी है, क्योंकि ये एक जंगली जानवर है और इसके खून में ही शिकार करके अपना पेट भरना लिखा है। वैसे तो दोस्तों, इसके बारे में मिलता है कि जब इसको गुस्सा आता है तो ये अपने से दोगुने बड़े जानवर को भी मार सकता है। इसमें इतना गुस्सा होने के बावजूद भी अगर इसकी सही से ट्रेनिंग की जाए और फिर इसको घर में रखा जाए तो इसको घर में रखा जा सकता है।
लोग इसे पालना पसंद करते हैं, लेकिन जब लोग इसे पालते हैं तब यह बच्चा होता है ताकि इसे अच्छे से ट्रेनिंग दी जा सके। नंबर 3, एंगोरा रैबिट। दोस्तों, वैसे तो आप लोगों ने खरगोश के बारे में बहुत कुछ सुन रखा होगा, हो सकता है आपके घर में भी खरगोश पला हुआ हो, लेकिन दोस्तों ये खरगोश और खरगोशों से काफी अलग है। इस खरगोश में कुछ चीजें पाई जाती हैं जो इसको दूसरे खरगोश से अलग बनाती हैं, क्योंकि इनके शरीर में एक तो बड़े बड़े बाल होते हैं और साथ ही साथ इनकी क्यूटनेस इनको दूसरे खरगोश से काफी अलग बना देती है। इस खरगोश को सबसे पहले तुर्की में देखा गया था, बाद में ये अमेरिका में भी नजर आने लगे। दोस्तों, आपको हम ये भी बता दें कि खरगोश अपनी पॉपुलेशन को बहुत ज्यादा स्पीड से बढ़ाते हैं। लोग इनके शरीर के बाल और क्यूटनेस को देखकर अट्रैक्ट होते हैं। इनके शरीर के बाल बहुत ज्यादा मुलायम होते हैं। अगर कोई इंसान इनके बाल काट भी देगा तो 3 से 4 महीने के बाद ये बाल वापस इतने ही बड़े हो जाएंगे। दोस्तों, हम आपको ये भी बता दें कि इनके बालों की मदद से कुछ कपड़ों को भी बनाया जाता है और लोग इन्हें पालना पसंद करते हैं। नंबर 2, बेबी पांडा। दोस्तों, वैसे तो पांडा के बारे में आप सब कुछ पहले से ही जानते होंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा मशहूर जानवर है। ये बेबी पांडा इतना ज्यादा क्यूट होता है कि ज्यादातर लोगों का इस पर दिल आ जाता है। इनको बचपन में खेलना और सोना ही ज्यादा पसंद होता है। बेबी पांडा बचपन में काफी ज्यादा क्यूट होते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये बड़े होते चले जाते हैं वैसे वैसे ये काफी खतरनाक होते चले जाते हैं। यही वजह है कि बड़े होने के बाद इनको जंगलों में छोड़ दिया जाता है या फिर इन्हें जाकर जू में छोड़ दिया जाता है। बहुत लोग इन्हें इसी वजह से नहीं पालना चाहते, क्योंकि बचपन में अगर ये बेबी पांडा आप पाल लेंगे तो बड़ा होकर इन्हें छोड़ना पड़ेगा। आपको इनसे बिछड़ने का दर्द काफी तकलीफ देह हो सकता है। नंबर 1, द सिल्क मॉथ। दोस्तों, वैसे आपने अपने घर के आसपास मक्खियां तो जरूर देखी होंगी, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी मक्खी दिखाने जा रहे हैं जो कि व्हाइट कलर की होती है और दिखने में ये बहुत ही ज्यादा प्यारी लगती है। वैसे तो इससे पहले आपको मक्खी कभी भी प्यारी नहीं लगी होगी, लेकिन अगर आप इसको देखेंगे तो आप भी कहेंगे हाँ, ये मक्खी वाकई काफी अच्छी है। दोस्तों, इस मक्खी के पूरे शरीर में छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं। इसके सर के ऊपर एक चीज निकली हुई होती है जो सींग की तरह लगती है। इस मक्खी के पर 2 इंच तक होते हैं, लेकिन ये मक्खी ज्यादा दूर तक उड़ नहीं पाती। ये अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए पेड़ों पर बैठ बैठ कर बीच में कई बार सहारा लेती है। और अगर इस मक्खी की मादा के बारे में बात की जाए तो ये एक बार में 3,000 से 5,000 अंडे देती है। इसी वजह से इसकी पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा है। दोस्तों, आपने इस वीडियो में बहुत से ऐसे एनिमलों के बारे में जाना होगा जिसको आप इससे पहले नहीं जानते होंगे, इसलिए अब आपका फर्ज बनता है कि आप इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जो इसके बारे में नहीं जानते। तो बस दोस्तों, आज की इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा। लेकिन जाने से पहले दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपके अपनों के पास भी ज्यादा से ज्यादा जानकारियां पहुंच सके। उम्मीद करते हैं कि आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा। अगर हाँ तो लाइक करके हमें अपना प्यार दिखाइए, कमेंट करके हमें अपनी राय बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने ज्ञान को ऐसे ही बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।